subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 10th English 2.6 World Heritage Chit Chat English Workshops Activities Question Answer सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए. चलिए शुरुआत करते हैं, वर्ड्स मीनिंग लेंगे. वर्ल्ड हेरिटेज आलमी विरसा, कैरेक्टरिस्टिक्स औसाफ, मोमेंटम रफ्तार, स्कोर्स ऑफ बेशुमार, आर्टिफैक्ट्स इंसानी कारीगरी, डिसमेंटलिंग टुकड़े करना, इनिशिएटेड शुरू करना, रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा, टेरिटरी इलाका, इन्वेंट्री तहरीरी फहरिस्त, टेंटेटिव आजमाइश तजुर्बाती, क्राइटेरिया मियार, नॉमिनेशंस नामजदगी, टू इंस्क्राइब कुंदा करना, अलोकेट मुखर्रर करना, अर्बनाइजेशन शहरियाना, डिलीट खारिज करना, नेचुरल कुदरती, हिस्टोरिकल तारीखी, कल्चरल सकाफती. पहले एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है. A1 फिल इन द ब्लैंक्स. द कंट्री वेयर माउंट ह्वांगशान इज सिचुएटेड इन इज चाइना. द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल इज आसवान हाई डैम. द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज. टू एडवाइजरी बॉडीज मेक रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. क्वेश्चन नंबर 1 का A2 है. व्हाई डिड यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959. इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द आसवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर. द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द नाइल वैली कंटेनिंग द अबू सिंबल टेम्पल्स एंड मेनी ऑफ एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स. टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड द आर्टिफैक्ट्स यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959. यानी मिस्र ने, इजिप्ट ने एक बहुत बड़ा आसवान हाई डैम बनाने का मंसूबा बनाया था दरियाए नील पर, लेकिन उसकी वजह से अबू सिंबल के जो मंदिर थे और जो पुराने कदीम मिस्र के आर्टिफैक्ट थे वो सारे के सारे डूब जाते और उसे नुकसान पहुंचता, इसीलिए यूनेस्को ने इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया था 1959 में. क्वेश्चन नंबर 1 A3. राइट डाउन द एडजेक्टिव फॉर्म्स फ्रॉम द पैसेज. कल्चर कल्चरल, हिस्ट्री हिस्टोरिकल, नेचर नेचुरल, सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट. क्वेश्चन नंबर 1 A4. व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट. यानी हमारे कौन कौन से फ़राइज़ हैं हिस्टोरिकल साइट को के तहफ़ के बारे में. हिस्टोरिकल साइट्स लाइक फोर्ट्स, माउंटेन, मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस एक्सेट्रा आर नेशनल हेरिटेज. हिस्टोरिकल साइट जो होती है जैसे कि किले हैं या इमारतें हैं, ये हमारे कौमी विरासत की चीज़ें. दे हैव स्टूड एट द वेगेरीज ऑफ टाइम एंड वेदर एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग देयर स्प्लेंडर. ये कई सदियों से बाकी है, मौसमों का इन्होंने झेला है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रिजर्व देम केयरफुली. हमारा फ़र्ज़ है कि इनका तहफ़ करें. व्हेन यू विजिट दीज प्लेसेस डोंट स्पॉइल देयर ब्यूटी एंड ग्रैंडर बाय स्क्रैचिंग, राइटिंग एंड कार्विंग नेम्स एंड मेकिंग देम लुक अगली एंड डर्टी. जब भी आप वहाँ पर जाएं तो आप वहाँ पर किसे बिल्कुल भी ख़राब ना करें, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखें, ना वहाँ कुछ लिखे ना कुछ कुरे दें, और उसे अगली यानी बदनुमा और बदसूरत ना करें. वी मस्ट रिनोवेट देम विद द हेल्प ऑफ द रेसिडेंस इन द एरिया और NGOs. वी शुड परसुएड एंड इंसिस्ट द गवर्नमेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजर्विंग देम एज देयर फॉरमोस्ट ड्यूटी. हमें इसे रिनोवेट करना चाहिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए और गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए ताकि वो इसकी बेहतर तरीके से हिफाजत कर सके. क्वेश्चन नंबर 2 का A1 है. व्हाई डिड अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. यानी व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्यों बुलाई गई थी वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के लिए. अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स एंड ऑल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स सिग्निफिकेंट एंड सीनिक साइट्स. यानी ये पूरी दुनिया की तारीखी और सकाफती जो धरोहर है उसके हिफाजत के लिए व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी.
क्वेश्चन नंबर 2 का ए टू है, फाइंड द एंटोनिम्स फ्रॉम द चैप्टर। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, अल्फाज की जिद। एक्सक्लूड, इंक्लूड, आर्टिफिशियल, नेचुरल, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, फाइनल, टेंटेटिव। पर्सनल रिस्पॉन्स है क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाई डू यू थिंक शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का तहफ़ करना चाहिए। आर एंसेस्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बेस्टोड अपॉन अस द स्पेक्टेकुलर वंडरफुल मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। दे आर द वंडर्स ऑफ द आर्ट्स एंड द आर्किटेक्चर्स। द होल वर्ल्ड फील्स प्राउड ऑफ दीज ancestral treasures. They remind us of the past glory, art, culture and great glorious memorials. They will continue to inspire us and give knowledge of patient and prolonged human endeavors such as the Taj Mahal, Ajanta Caves, Pyramids, China's Great Wall and many other majestic structures. So we must preserve them with the utmost care. हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बनाकर रखी, ख़ास तौर पर बेहतरीन इमारतें, हैरान कन स्ट्रक्चर्स, मूर्तियाँ वगैरह, और ये तमाम चीज़ें हमें हैरान कर देती है। ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इसका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये हमारी तारीख़ और सकाफ़त को दिखाते हैं, और इसमें शामिल है ताजमहल, अजंटा, एलोरा, पिरामिड ऑफ गीज़ा और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सब बहुत ही अहम है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। किस वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये डेंजर में है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है वार, वार, पॉल्यूशन, पोचिंग, एसिड रेन, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, नेचुरल डिजास्टर्स, ह्यूमन इंक्रोचमेंट, ह्यूमन हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक। इन वजूहात की बिना पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेंजर में है। फाइंड द नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। लोकेट, लोकेशन, अर्बनाइज, अर्बनाइजेशन, पल्यूट, पल्यूशन, एड एंड एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3A2 है, व्हाट मेजर्स आर टेकन अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेट आर इन डेंजर। कौन से इकदाम उठाए जाएंगे। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फर्स्ट प्रिपेयर्स अ सेपरेट लिस्ट ऑफ साइट्स डेट आर इन डेंजर। एक सेपरेट लिस्ट बनाती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो डेंजर में। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अलोकेट्स रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू डैट साइट टू रेस्टोर इट। यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, फंड्स अलोकेट करती है उसके तहफ़ के लिए। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इन टू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रिस्टोर द साइट। बहुत सारे प्लान बनाए जाएंगे ताकि उस साइट का तहफ़ किया जा सके। हाउएवर, इफ़ अ साइट लूजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच फॉलोड इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। अगर किसी कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपनी खसूसियात खो देती है तो उसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, लिस्ट में से निकाल देती है। क्वेश्चन नंबर 3 का A3 है, पर्सनल रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन प्रोमोटिंग टूरिज्म इन एनी कंट्री। यानी किसी भी मुल्क में टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या किरदार अदा करते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग टूरिज्म इन कंट्रीज लाइक इंडिया। यानी भारत जैसे मुल्कों में वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करती है, बहुत अहम किरदार अदा करती है। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल विद द कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर प्रिजर्विंग द साइट एंड इफ रिक्वायर्ड रेस्टोर इट प्रोवाइडिंग फंड्स। यानी इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबल होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की के उस साइट का तहफ़ करे। इफ़ द साइट रिटेन्स द ओरिजिनल ग्रैंडियर, स्प्लेंडर एंड ब्यूटी, इट्स स्प्लेंडर, फ्लॉक्स ऑफ पैशनेट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर श्योर टू विजिट द साइट। नेचुरली टूरिज्म ऑफ द साइट विल फ्लरिश एंड इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। यानी पूरी दुनिया से सैयाह आते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। इंग्लिश वर्कशॉप की कुछ एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, ये टाइमलाइन दी गई है 1959, 65, 68, 72, 2009। इसमें इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लिखना है। पहला है 1989, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टेंपल्स एंड आर्टिफैक्ट्स।
1965 व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। 1972 में क्या हुआ, द कन्वेंशन कॉन्सर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज एडॉप्टेड बाई यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस। 2009 में क्या, 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वेर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। इसकी पूरी लिस्ट पब्लिश कर दी गई। अब यहाँ मैचिंग द पेयर से इसके आंसर्स आपको देखना है। आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, आइडेंटिफाई साइट्स डैट रिप्रेजेंट। अब ये इसके जवाब हम अगले स्लाइड में देखेंगे। इसके जवाब हम साथ में ही दे दिए हैं डायरेक्ट सेंटेंस में। आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज, साइट्स ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस फॉर, उसके बाद आइडेंटिटी साइट्स ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस फॉर एवरी वन, उसके बाद आइडेंटिफाई साइट्स डैट रिप्रेजेंट द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ल्ड कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज। फोर्थ, यूनेस्को सीक्स टू प्रिजर्व आउटस्टैंडिंग साइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिफ्थ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शुड हैव रिलेवेंट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसीज। सिक्स्थ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स शुड प्रोटेक्ट दीज साइट्स। सेवन्थ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्व एज एन एसेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। एट्थ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड इंश्योर ग्रीन लोकल बेस्ड स्टेबल एंड डिसेंट जॉब्स। एंड नाइन्थ, इट शुड एट लार्ज डेवलप टूरिज्म। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग ड्यूटीज टूवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। तो इसके हमने आंसर्स डायरेक्ट दिए हैं। ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस, विजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। पहले का आंसर है ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस, विजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। दूसरा है मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, ऑल विजिटर्स मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द प्लेस। थर्ड वन है मेंटेन क्लीनलीनेस, दे शुड मेंटेन क्लीनलीनेस इन द एरिया। फोर्थ, यूज डस्टबिन्स एंड गार्बेज बैग्स, दे मस्ट यूज डस्टबिन्स एंड गार्बेज बैग्स फॉर थ्रोइंग लेफ्ट ओवर्स। फिफ्थ है ऑब्जर्व साइलेंस, विजिटर्स मस्ट ऑब्जर्व कंप्लीट साइलेंस एट द साइट। सिक्स्थ है मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी, दे शुड मेंटेन एनवायरमेंट सेफ्टी फॉर देयर ओन सेफ्टी। सेवन्थ है प्रोटेक्ट आर कंट्रीज हिस्टोरी एंड हेरिटेज, इट इज़ आर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आर कंट्रीज हिस्टोरिकल हेरिटेज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स वर्ल्ड हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी सकाफती और विरसा में, सकाफती विरसा और आलमी विरसा में क्या फ़र्क है, इसका फ़र्क बताना है। द वर्ड वर्ल्ड हेरिटेज इज़ रिलेटेड विद द नेचुरल और मैन मेड प्लेसेज डेट आर रिकग्नाइज एज having international importance, cultural value of the world and humanity in general। यानी वर्ल्ड हेरिटेज क्या है, ये खसूसी तौर पर कुदरती और इंसान की बनाई हुई चीज़ों को ध्यान में लाता है। Whereas cultural heritage is related with a particular society or groups, its ideas, customs, beliefs, arts and literature etc. that have existed and inherited from the past generations, maintained in the present and preserved for the बेनिफिट्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब ये सकाफती वर्षा क्या होता है, ये किसी समाज, किसी ग्रुप, उसके जो ख़यालात, रसूमात, लिटरेचर है, उन तमाम चीज़ों को देखता है, उसकी हिफाजत करता है, जो गुज़िश्ता से आया है, अभी भी चल रहा है और मुस्तकबिल में भी वो नई नस्लों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात।